केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए धारा 370 की समाप्ति की गई है। इस धारा को हटाया गया है जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन दो साल बेमिसाल भाजपा जश्न के माहौल में है, लेकिन किस तरह से इन दो सालों में यहाँ पर जो डेली वेजर्स है उन्होंने परेशानी का सामना किया। क्या वो दावे, वो वादे जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किए गए, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से किए गए, क्योंकि चुनावी सरगर्मियाँ जब तेज होते हैं तमाम केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं, तो उसके बाद क्या दो सालों के बाद आज हालात बदले हैं या स्थिति जो है जस की तस बनी है। मेरे साथ तनवीर हुसैन जी हैं, इनसे जानने कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात अभी तमाम डेली वेजर्स के हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी डेली वेजर्स को इंसाफ दिलाने के लिए। तनवीर साहब, क्या लगता है किन हालातों से गुजरे हो दो साल, क्या रहे ये बेमिसाल? देखिए रोहिणी जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स का करता हूँ, द न्यूज़ में उसका थैंक करता हूँ। और कहते हैं कि ना खुदा ही मिला ना मसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो पिछले दो साल से जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के डेलीजेस किन हालात से गुजर रहे हैं वो बयान करने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप सोशल मीडियाज़ पर दिन ब दिन प्रोटेस्ट या उनकी हालात आप देख रहे हैं। लेकिन आज जहाँ तक आपने कहा, देखो ये एक पॉलिटिकल इशू है, 270 टूटना था नहीं टूटना था, उसके बाद क्या था क्या नहीं था। लेकिन हम इस चीज़ से बात करेंगे कि उसके टूटने के बाद जो कहा गया था कि आप लोगों को यहाँ की दूध की नदियाँ बहती हुई मिलेंगी, आपको दूध पीने के लिए मिलेगा, मैं आज पूछना चाहता हूँ दो साल के वो दूध किसको मिला? अगर ठीक है केंद्र सरकार सिस्टम से उसे पैसा आया, वहाँ हर कोई स्कीम आई, जो एक सबसे बेसिक राइट आपका है एजुकेशन, आज हमारे बच्चे उससे महरूम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे साथियों के पास स्मार्टफोन है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन वो क्लासेस दे सके, उस तक के लिए रिचार्ज के लिए पैसे नहीं, फ़ोन लेने के लिए पैसे नहीं है। उसके अलावा हमसे ये बात हुई थी कि आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा 370 हटने के बाद, बाकी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिला, अभी 11% दिए, उसका आर्डर भी देखा आपने, उससे पहले टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन वगैरह हो रही हैं, हम उसके खिलाफ़ नहीं, ठीक है आप उनको दे रहे हो आप दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो 60,000 लोग हैं वो आज किस दहाने पे खड़े हैं? आज खुदकुशी और सुसाइड दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और डिलीवरीज की नहीं यहाँ पर बात करूँ, आपके होम गार्ड्स की, आपकी SPOs की, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर्स, आपकी आशा वर्कर्स, आपके रेपरेज़ टूरिज्म में साथ ही आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, आज इन सब सेक्टर की बात है, जो भी ये मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ थे आज कहीं ना कहीं ये वहीं पर हैं जिनको छोड़ा गया था 5 अगस्त से पहले, 2019 से पहले, और आज भी वहीं पे हम खड़े हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि 13 जुलाई को मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, और मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये कि हमने हर एक वो तरीका देख लिया। आपने देखा कि हमने 5-5 साल बंदूक रैली जम्मू के अंदर निकाली, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, हमने प्यार से भी बात की, पानी भी बंद किया और बच्चों को भी सड़कों पर उतारा, कपड़े भी उतार के अपने बच्चों को सड़कों पर लिटाया। तो इससे और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? और ये कहते हैं आज की डेमोक्रेसी है, यहाँ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी कहीं पे नहीं है, यहाँ लोग दो वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं, और जिन लोगों तक ग्राउंड लेवल पे चीज़ें पहुँचनी चाहिए थी वो अभी भी लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो इस वक्त 1.5 साल हो गया हमारे जिनने ज़मीनें दे दी हैं, उसके साथ बाकी जो 12 मोर्चे का राइडर लगा हुआ है, ऐसे हमारे वाइल्ड लाइफ के साथी, हमारे टूरिज्म के सफाई कर्मचारी, हमारे फिशरीज़ के, हमारे PWD के साथी, आज आप देखिए कि जब भी लैंडस्लाइड होती है बरसात के मौसम में तो उनको बेचारे के उनके कांधे पे गिनती और बेलचा होकर वो रोड साफ़ करते हैं। तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको अभी तक भी जो ना सैलरी दी जा रही है ना कोई डेली उनके कॉल्स, कभी रियासी से कॉल आती है, कभी गुंदों से कॉल आती है, कभी पुंछ से, कभी रजौरी से कि जनाब हमें काम तो करते हैं लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। तो आज 15 अगस्त आने वाला है और 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं किसके? अपनी ही चुनी हुई सरकारों के, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के आज हम गुलाम हैं, और आज भी हमारे लोगों को गुलामी की ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है। इसलिए अब हमने फैसला कर दिया कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ के कल यानी 6 अगस्त को एक नया ऑप्शन, एक नया अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर को देंगे, और आप देखें कल एक बहुत बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर की राजनीति में हो सकता है। सवाल ये भी है कि लगातार आपको लगता है कि अब सियासत की भेंट चढ़ते रहे, आज अब खुद राजनीति की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल जिसको कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक राजनीतिक दल है भाजपा, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं, समर्थक हैं उनके, उन्होंने मैनिफेस्टो में आपका जिक्र किया था, तो उन्होंने किस प्रकार की राजनीति खेली के DDC के चुनाव भी हो गए, केंद्रीय मंत्री भी चले गए और मुलाकातें भी हो चुकी थी लोगों के साथ कि हम इन डेली वेजेस को पक्का कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी स्थिति जो है बदली नहीं है। देखिए मैम, ये सही बात है कि DDC इलेक्शन उसके पास पहले भी हम जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें कहा गया कि हम आपकी हालत को बदलेंगे, और अभी नहीं, और उसके पहले 2014 में भी जब यहाँ पे कलेक्शन उस टाइम भी हमारे इनको मैनिफेस्टो जारी हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ हम इनके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है आज ये बोलते हैं कि पिछली सरकारों का किया हुआ पाप है, ये पिछले की सरकारों के पाप जो गले की घंटी है वो हमारे गले में डाल रहे हैं, ठीक है ये तो उनको उस टाइम ही पता था कि पिछली सरकारों के ये पाप है, या तो उस टाइम ही स्पष्ट कर देते थे कि पिछली सरकारों के किए हुए पाप है, आप उसको खुद निपट लो। फिर हमारे साथ धोखेबाजी क्यों हुई? पहले उन्होंने कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके इस मसले को हल करें। अभी परसों एक बीजेपी का एक
बहुत चिल्ला चिल्ला के सपोज आवाज़ दे रहे थे, नहीं जी ये जी पानी सरकार ने लगाए, ठीक है भाई हम बोल रहे हैं पानी सरकारों के पाप थे, अगर आपने तो गले लगाना था हम लोगों को कि नहीं जी अगर उन्हें पे हम आपकी जिंदगी को सेव करेंगे, आपका विकास करना चाहिए था, सबके विकास और अच्छे दिनों की बात कर रहे थे, आपका भी करना चाहिए। तो आज हमारे अगर हमारे घरों में हमारी बहनें हमारे साथियों की बहनें या हमारी साथियों की जो बच्चियां घर में हैं, आज उनके पीले होने का वक्त उनका आज आया है, आज उनके बाप मजबूर है खुदकशी करने पर तैयार है, आज वो कहीं अगर प्राइवेट काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। आप देखिए मैम कि जम्मू में फिर भी हमारे आसपास के लोग हैं वो जम्मू में उनको काम मिल सकता है, लेकिन जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, आप रामबन डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, आप गुंडो ले लीजिए, आप किश्तवाड़ ले लीजिए, आप क्या कहते हैं अपना पूंछ ले लीजिए, आप कपवाड़ा टंगडा, इस एरिए में जो हमारे काफ़ी गरीब लोग जिनको वो मजदूरी करें मजदूरी भी नहीं मिलती है उनको, तो उन हालात में कैसे अपनी फैमिली को चलाएं, ये कभी भी और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बाय दी पीपल फॉर दी पीपल और ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल तो है लेकिन फॉर दी पीपल मुझे नहीं लगी है कि यहाँ पे पिछले दो साल में मुझे दिखा यहाँ पे कुछ ऐसा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बना है जो किसी की बात सुन के तैयार नहीं। साहब जब आप राजनीति में उतरेंगे एक अहम सवाल है कैसे इनकी तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, क्योंकि वादे तो भाजपा ने बहुत किए, क्या वो वादे आप साकार करेंगे? देखिए मैम हम कोई वादा नहीं करेंगे, मैंने स्पष्ट पहले दिन से ये रहा था जब हमारी ट्रेड यूनियन बनी थी मैम, तब भी हमने जो है अपने मैनोफेस्टो कहिए उसको या जो बाइलाज कहिए ट्रेड यूनियन के जब बनते हैं, हमने उस टाइम स्पष्ट कर दिया था कि दो चीज़ें हमें कल की थी, एक हमने अपने वर्कर्स को बोला था कि हम आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे, हम आपके मूवमेंट को बिकने नहीं देंगे, हम सर कटा देंगे सर को झुकाएंगे नहीं, उस टाइम भी हमें काफ़ी ऑफर आने थे। उसके बाद दूसरी बात हमने ये कही थी कि जो काम करता है उसे गलती हो सकती है, गलती तनवीर हुसैन से हो सकती है, गलती मेरे टीम के साथ हो सकती है, लेकिन धोखा हम आपके साथ नहीं, जिस तरह आपके साथ धोखा हम करेंगे या जो आपके साथ धोखा करेंगे हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो हमारे साथ धोखा हुआ है, यहाँ की वर्कर के साथ धोखा हुआ है, और मैंने ये भी कमिटमेंट उस टाइम की थी और बाइलॉज में लिखा गया था कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नींद नहीं खुली और उन्हें मजबूर कर दिया राजनीति में आने के लिए, तो हम अपनी नौकरी को कुर्बान करके आपको लोगों के लिए हम रोडों पे उतरेंगे और आपके लिए उस नौकरी कुर्बान करके आपकी लड़ाई जो है, अगर आपने आशीर्वाद दिया और जम्मू की जनता ने आशीर्वाद दिया, यहाँ के युवाओं ने यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट भी लड़ेंगे और आने वाले जो विधानसभा के यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं सारे हमारे लीडर्स हैं इनको कड़ी टक्कर देंगे, और अगर उन्हें प्यार दिया आशीर्वाद दिया जनता ने तो विधान जो आने वाले जो विधानसभा असेंबली यहाँ बनेगी उसमें भी आवाज़ को हम उठाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि तरह कि हम आसमान के तारे ज़मीन पे उतार देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की हर इस दबे की आवाज़ हर इस दबे कुचले की आवाज़ उसकी आवाज़ बन के तनवीर हुसैन रोडों पर भी गूंजेगी गौर गूंज रही है और असेंबली में अगर मौका दिया वहाँ पे इस आवाज़ को हम गूंजेंगे। देखिए आंकड़ा बहुत बड़ा है डेली वेजेस का और ये आंकड़ा ही देखते हुए भाजपा ने मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया था डीडीसी के चुनावों में, लगातार जब ये हड़तालों पर रहते थे तो भाजपा के नेता इनसे मुलाकात भी करते थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू में आए थे तब भी इन्होंने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इस समय तस्वीर बिल्कुल अलग है और तमाम दावे तमाम वादे जो हैं वो धराशाही हो चुके हैं क्योंकि तनवीर खुद राजनीति में उतर रहे हैं। अब राजनीति समीकरण किस तरह से बदलेगा और किस तरह से डेली वेजर्स की तकदीर बदलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे बने देखते रहे 24 की रिपोर्ट।